लेट्स स्टार्ट। लास्ट टाइम हम लोगों ने मलेरिया का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, है ना, जिसने भी क्लास अटेंड की थी। तो वी स्टडीड द लाइफ साइकिल, होस्ट फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, वेक्टर, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इंक्यूबेशन पीरियड, सिम्टम्स एंड डायग्नोसिस। ओके, तो आज जो पढ़ना है वो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी अबाउट द मेजरमेंट ऑफ मलेरिया। कुछ इंडाइसेस होते हैं, ठीक है, इवन इफ अगर इनके आप नाम नाम भी याद रख लो तो दैट इज सफिशियंट। थोड़ा थोड़ा सा पता होना चाहिए किसी किसी में, बट ये पूछते हैं आपसे एग्जाम में जब लॉन्ग क्वेश्चन आता है मलेरिया पे, तो थोड़ा सा इसके बारे में लिखना पड़ता है। एंड ट्रीटमेंट, वील स्टडी द ट्रीटमेंट पार्ट इन शॉर्ट। ओके, अभी जितना आपके लिए रिक्वायर्ड है उतना। ओके, चलो। सो सी मेजरमेंट ऑफ मलेरिया, वी सी वी मेजर देम इन टू एराज। फर्स्ट इज प्री रेडिकेशन एरा, कि रेडिकेट नहीं हुआ उससे पहले। हम प्री रेडिकेशन एरा में अगर उसे मेजर करते हैं तो इट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द ट्रेंड ऑफ द डिजीज। व्हाट डू यू मीन बाय द ट्रेंड इन लेमैन लैंग्वेज? व्हाट इज ट्रेंड ऑफ द डिजीज और ट्रेंड ऑफ एनीथिंग, कि अभी क्या चल रहा है, राइट, कि व्हाट इज गोइंग ऑन। तो फॉर दैट वी सी द फर्स्ट ऑफ ऑल आप नाम याद रखना। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर द नेम्स। फर्स्ट इज स्प्लीन रेट। व्हाट इज स्प्लीन रेट? परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन बिटवीन 2 एंड 10 ईयर्स ऑफ एज शोइंग एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन। ठीक है, अब ये स्प्लीन रेट क्या बताती है? स्प्लीन रेट बताती है एंडेमिसिटी ऑफ मलेरिया, कि कितना एंडेमिक है वो। ओके, तो एंडेमिक, एपिडेमिक, ये टर्म्स हैं, कभी पढ़ी हैं आप लोगों ने? एपिडेमिक, एंडेमिक, पेंडेमिक। ओके, तो एंडेमिसिटी जो है वो मलेरिया की बताती है स्प्लीन रेट। अब स्प्लीन रेट, इसमें क्वेश्चन आता है कि ये बच्चों में ही क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि अडल्ट में क्या है कि अडल्ट के अंदर एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन के बहुत सारे, देयर आर वेरियस अदर कॉजेस विच कैन कॉज एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन। ओके, बहुत सारे अलग कॉजेस भी हो सकते हैं एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन के। तो हम एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन यानी कि स्प्लीन रेट हम किस में देखेंगे? 2 to 10 ईयर्स ऑफ एज के अंदर। ओके, तो आपको नंबर वन नाम याद, प्री रेडिकेशन एरिया में फर्स्ट चीज हो गई स्प्लीन रेट। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज एवरेज एनलार्ज्ड स्प्लीन। व्हाट इज एवरेज एनलार्ज्ड स्प्लीन? स्प्लीन इज एवरेज साइज ऑफ द एनलार्ज्ड स्प्लीन। इट इज यूज फॉर मेलेरोमेट्रिक इंडेक्स। असी अगर तुम नाम भी याद रख लो कि एवरेज एंड लार्ज स्प्लीन, तो आप बता सकते हो ना उससे क्या मतलब है इसका, कि एनलार्ज कितनी हुई है स्प्लीन, बस वो। देन नेक्स्ट इज पैरासाइट रेट। ये भी हम किस में देखेंगे? 2 to 10 ईयर्स ऑफ एज के अंदर हम देखेंगे क्या, कि पैरासाइट कितने दिख रहे हैं ब्लड फिल्म के अंदर। लास्ट टाइम मैंने तुम लोग को बताया था कि हम ब्लड फिल्म देखते हैं मलेरियल पैरासाइट देखने के लिए। कौन सी वाली बेटर होती है, थिक और थिन? थिक। ओके, तो प्री रेडिकेशन एरिया में स्प्लीन रेट हो गई, एवरेज एंड लार्ज स्प्लीन हो गई, एंड पैरासाइट रेट हो गई। अब प्री रेडिकेशन एरा और इरेडिकेशन एरा होता क्या है? अच्छा, लास्ट टाइम तुम लोग को ध्यान है ए सेक्शुअल साइकिल, सेक्शुअल साइकिल, जिसने भी अटेंड की थी, जिसने नहीं की वो समझ लेना। ओके, प्री रेडिकेशन होता है एरा, थोड़ा सा समझना है, वैसे आपसे कोई भी नहीं पूछता, ये जस्ट फॉर योर नॉलेज आई एम टेलिंग यू। प्री रेडिकेशन एरा इज कि जब हम मलेरिया के केसेस के बेसिस पे जब हम डिटेक्ट करते हैं डायग्नोस्ड केसेस। ओके, एंड जो इरेडिकेशन एरा इज कि हम जब ब्लड फिल्म्स के बेसिस पे हम डायग्नोज करते हैं। ओके, दैट इज प्री रेडिकेशन एंड इरेडिकेशन एरा। तो प्री रेडिकेशन एरा में फर्स्ट क्या पढ़ा हमने? स्प्लीन रेट। नेक्स्ट क्या पढ़ी? ओके, थर्ड चीज क्या देखी हमने? ठीक है, तीनों को बता सकते हो नाम से, यू जस्ट रिमेम्बर द नेम्स। ओके, द नेक्स्ट इज पैरासाइट डेंसिटी इंडेक्स। इसमें भी बता रहा है इट इंडिकेट्स द एवरेज डिग्री ऑफ पैरासाइटीमिया, मतलब कितनी डेंसिटी है पैरासाइट की। ओके,
नेक्स्ट इज इन्फेंट पैरासाइट रेट. इन्फेंट का मतलब पता है ना, एक साल तक का. ओके, तो परसेंटेज ऑफ इन्फेंट्स बिलो द एज ऑफ वन ईयर शोइंग मलेरियल पैरासाइट्स इन देयर ब्लड फिल्म्स. ओके, देन नेक्स्ट इज प्रपोर्शनल केस रेट. प्रपोर्शन का मतलब पता है आप लोगों को, व्हाट इज प्रपोर्शन? नंबर ऑफ केसेस डायग्नोस्ड एज क्लिनिकल मलेरिया फॉर एवरी 100 पेशेंट्स अटेंडिंग द हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज. जो भी 100 पेशेंट्स अटेंड कर रहे हैं, फॉर एवरी 100 पेशेंट्स में से कितने मलेरिया के केसेस डायग्नोज हुए, दैट इज प्रपोर्शनल केस रेट. ओके, तो ये आप देखो, इनके नाम ही सफिशिएंट है. प्री रेडिकेशन एरा में स्प्लीन रेट हो गई, एवरेज एनलार्ज्ड स्प्लीन हो गई, पैरासिटिक रेट हो गई. अब ये ध्यान रखना, स्प्लीन रेट हम 2 to 10 years में देखते हैं, पैरासाइट वाली भी 2 to 10 years में देखते हैं. पैरासाइट डेंसिटी इंडेक्स, कितनी डेंसिटी है पैरासाइट की. देन इन्फेंट पैरासाइट रेट जो 1 year तक के बच्चों में देखते हैं. नेक्स्ट इज प्रपोर्शनल केस रेट, कि जितने भी 100 पेशेंट्स और एवरी 100 पेशेंट्स हाउ मेनी ऑफ देम आर डायग्नोज्ड एज अ केस ऑफ मलेरिया. नाउ नेक्स्ट इज इरेडिकेशन एरा. ठीक है, करंट इंडिसेस लेवल. अभी जो हम यूज करते हैं वो ये यूज करते हैं, तो उनके आपको नाम ध्यान होने चाहिए और इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा नाम भी ध्यान हो तो इट इज सफिशियंट, यू हैव टू राइट इन एग्जाम. फर्स्ट इज एनुअल पैरासाइट इंडेक्स. अगर एनुअल पैरासाइट इंडेक्स 2 से ज्यादा आ रहा है, दैट मीन्स कि हाई रिस्क है. ओके, कन्फर्म्ड केसेज ड्यूरिंग 1 year अपॉन पॉपुलेशन अंडर सर्विलेंस, दिस इज द फॉर्मूला. ओके, कितने केसेस आपको एक साल में मिल रहे हैं और आपने कितनी पॉपुलेशन को सर्विलेंस किया उनका. ठीक है, दैट इज इनटू 1000 इज एनुअल पैरासाइट इंडेक्स, एपीआई. ये याद रखना, एपीआई अगर 2 से ज्यादा है यानी कि हाई रिस्क है. फिर आते हैं एनुअल ब्लड एग्जामिनेशन रेट, इट इज नंबर ऑफ स्लाइड्स एग्जामिंड अपॉन पॉपुलेशन इनटू 100. ठीक है, यानी कि हमने कितनी स्लाइड्स एग्जामिन करी, कितनी पॉपुलेशन की इनटू 100. ABER इज एन इंडेक्स ऑफ ऑपरेशनल एफिशिएंसी, कि कितनी एफिशिएंटली आप देख रहे हो, कितनी निकाल रहे हो, दिस इज. नेक्स्ट इज एनुअल फैल्सीपैरम इंसिडेंस. ओके, ये तीनों के आपको नाम याद होने चाहिए. एनुअल पैरासाइट इंडेक्स, API, मोर देन 2 इंडिकेट्स हाई रिस्क, ABER एंड एनुअल फैल्सीपैरम इंसिडेंस, यानी कि एनुअली कितने फैल्सीपैरम के केसेस आ रहे हैं. इंसिडेंस क्या डिनोट करता है? इंसिडेंस इज नंबर ऑफ न्यू केसेस. ओके, दिस इज इंसिडेंस. तो ये तीनों आपको याद होने चाहिए, एटलीस्ट नेम्स. तो अगर आता है मेलोरीमेट्रिक इंडेसेस, तो आप प्री रेडिकेशन इरेडिकेशन एरा में डिवाइड करके ये नाम लिख देना. वैसे क्या होता है कि कभी भी इस पर इंडिविजुअल क्वेश्चन नहीं आता आपका. आता है मलेरिया पे तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो आपको जो आता है ना उसमें वो लिख दो. आप नहीं लिखते वो सबसे बड़ा ब्लंडर होता है. ठीक है, अभी हमने कॉपीज चेक करी थी, तो जिसने भी लिखा है, सी वी ऑल्सो डोंट वॉन्ट एनी वन टू गेट लेस मार्क्स और कि कोई फेल हो जाए, तो कॉपी चेक करी. अब जिसने कुछ भी लिखा है ना, कुछ भी रिलेटेड टू इट, तो दे हैव गॉट सम मार्क्स. कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल अटेम्प्ट ही नहीं किया. सी, दिस इज अ मेजर ब्लंडर, नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन. इफ यू हैव टाइम प्लीज डू अटेम्प्ट. किसी ने 10 में से सिर्फ 2 क्वेश्चन अटेंड करे, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट अस टू गिव मार्क्स? अब हम तो लिख के नहीं देंगे ना. इफ यू हैव रिटन, टू एवरी वन इज लीनियंट. दिस इज द केस इन यूनिवर्सिटी एग्जाम्स ऑल्सो, आपको मार्क्स मिलते हैं, बट आप अटेम्प्ट नहीं करते तो यू विल नॉट गेट मार्क्स. और आप थोड़ा पढ़ते हो तो यू नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग. ओके, कुछ कुछ तो आपको पता होता है. जब आप क्लासेस अटेंड करते हो तो आपको कुछ कुछ पता होता है, तो आप लिख सकते हो. तो उधर आपको जब 3 घंटे मिलते हैं, तो आप अपना पूरा दिमाग उसमें लगाओ कि मुझे लिखना है. प्लस एक हैबिट बना लो, डोंट राइट इन एसे फॉर्म. ओके, दिस इज द मतलब मेजर शॉर्टकमिंग ऑफ द स्टूडेंट, कि वो एसे फॉर्म में लिख देते हैं. सी, तुम्हें मैं अगर कोई चीज़, मैंने तुम्हें उस दिन लाइफ साइकिल पढ़ाई थी, मैं भी उसको ऐसे की तरह लिख देती, तुम्हें डायग्राम नहीं बताती, तो तुम्हें लगता ना क्या पढ़ो क्या नहीं पढ़ो, उसमें तुम्हें थोड़ा सा समझ आने लगा ना. तो हम भी यही देखते हैं कि या तो फ्लो चार्ट फॉर्म में तुम लोग लिखो,
या फिर तुम ऐसे एरो बना के या पॉइंट्स फॉर्म में जो चीज़ अगर टाइम है तो हाईलाइट करो वरना मत करो, बट पॉइंट्स में लिखोगे तो वो थोड़ा सा इजी रहेगा हमको और तुम्हें अच्छे मार्क्स मिलने का। ऐसे मत सोचो कि मैं जितना लिखूंगा उतना उतना सब कुछ मुझे मिलेगा, इतना लंबा ना ऐसे पढ़ने में। आप ये सोचो आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, 140 स्टूडेंट्स है ना, 140, हाँ 140 अप्रोक्सीमेटली 150 स्टूडेंट्स है, ठीक है। तो हमें टाइम कितना मिलता है कॉपी चेक करने के लिए, वी गेट हार्डली 2 डेज और 1 डे, ठीक है। तो 1 डे में फॉर ईच टीचर गेट्स एटलीस्ट 30 to 40 कॉपीज। अब जो बैच आ रहा है 250 कॉपीज प्लस उसमें फिर आपके प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, तो इतना टाइम नहीं होता ना किसी के पास भी कि एक 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 लाइन पढ़े। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है, तुम्हें भी इजी रहेगा। या तो तुम नोट्स बनाओ और ऐसे ऐसे लिखते लिख के थोड़ा सा उसको समराइज करो, ऐसे ऐसे फॉर्म में मत लिखा करो, ठीक है। थोड़ा नाम नाम करके, जैसे ये है तो जैसे आपने एपीआई लिख दिया, एबीआर नाम करके अंडरलाइन कर दिया। अगर टाइम हो अंडरलाइन नहीं भी करो तो थोड़ा गैप गैप बना के लिखो तो अच्छा रहेगा। फ्लो चार्ट बनाओ, ये आपके लिए अच्छा है हर सब्जेक्ट में, ओके। क्योंकि अभी जिनके भी अच्छे मार्क्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा नहीं लिखा, बट दे हैव अटेम्प्टेड द पेपर नाइसली, ओके। बहुत सारे जनों ने बहुत ऐसे रामायण लिखे तो नोबडी इज इंटरेस्टेड कि आप एक 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 लाइन पढ़ो, ओके। तो ट्राई टू अटेम्प्ट द पेपर नाइसली, वो आपको थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा, आ जाएगा धीरे धीरे। प्लस एग्जाम में अगर आप अभी देखो, मैंने फर्स्ट ईयर का वाइवा लिया था तो उन्होंने इतने ब्लंडर आंसर्स करे, या तो आप बोल दो कि वी डोंट नो, ओके। आप डायरेक्टली यू शुड टेल द टीचर इफ यू डोंट नो एनी क्वेश्चन, सी वी आर नॉट कि हमें सब कुछ आता है, मुझे भी नहीं आता और टीचर्स को भी नहीं आता, वी आर ऑल इन अ लर्निंग फेज। बट आप लोग अगर कोई इतना बड़ा ब्लंडर कर देते हो ना तो फिर वो ब्लंडर आपके लिए बहुत नेगेटिव हो जाता है। पता है, आई जस्ट आस्क देम अबाउट द कार्ब्स प्रोटीन्स एंड फैट्स एंड वॉट दे आंसर्ड वॉज कि उन्होंने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को बोल दिया ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन, कैन यू बीट इट। मतलब ये इस तरह का, ये तो एक ब्लंडर है बहुत बड़ा। मैं पूछ कह रही हूँ, आप जवाब क्या दे रहे हो, आप बोल दो मुझे नहीं आता तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएगा। ऐसे करके मत, उसको भी एंगेज मत करो, उनको समझ आता है कि आपको नहीं आता। और जो एक्सटर्नल्स होते हैं वो तो बहुत सीनियर प्रोफेसर्स होते हैं, तो वो अपने जैसे बच्चे, आपके जैसे बच्चे बहुत सारे निकल चुके हैं उनके नीचे से, तो उनको आप बस डायरेक्टली बोलो कि सर वी डोंट नो, तो दैट इज अ गुड इम्प्रेशन, ठीक है। आई एम टेलिंग फॉर योर फ्यूचर, दैट इज अ गुड इम्प्रेशन, सर आई डोंट नो, बट डोंट मेक ब्लंडर्स, ओके। आपको थोड़ा सा आता है तो आप थोड़ा सा बताओ, नहीं आता बिल्कुल, आपको उसका नॉलेज ही नहीं है तो डोंट ट्राई टू आंसर, बोलो सर आई डोंट नो, दैट इज इट। वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता है, इससे क्या एटलीस्ट आपकी नॉलेज टेस्ट हो जाती है। चलो एक चीज़ नहीं पता, ऐसा थोड़ा ना आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है, कोई भी नहीं पढ़ पाता क्योंकि इतना वास्ट कोर्स है। तो सर आई डोंट नो, और अगर वो पूछे, हमेशा किसी भी एग्जाम में वाइवा में कोई एक टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल उनका क्वेश्चन यही होता है कि व्हाट हैव यू स्टडीड इन एवरी सब्जेक्ट, पहले पूछते हैं चलो आपने क्या पढ़ा है, और गॉड फॉरबिड जो आपको कुछ नहीं आता फिर वो लास्ट में तो ये पूछेगा चलो आपने क्या पढ़ा है ना, या तो फर्स्ट पूछ लेगा या लास्ट पूछ लेगा, तो कहीं ना कहीं तो तुम इधर अटकोगे ना। वो तुम्हें अच्छे से आता होगा तो आप एक टॉपिक अच्छा प्रिपेयर करके जाया करो, ठीक है। ये लैक्यूना है क्योंकि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स का भी मैंने वाइवा लिया तो मैं मतलब आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। तो आपको थोड़ा थोड़ा सा ये आना चाहिए कि हाउ टू आंसर एट दैट टाइम, प्रेजेंस ऑफ माइंड इज सो इम्पॉर्टेंट एट दैट टाइम, ओके। तो क्लासेज अटेंड तुम लोग करोगे तो आएगा, और एक टॉपिक हमेशा वाइवा में कोई भी एक टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ, ठीक है। अब तुम लोग का फर्स्ट ईयर हो गया, अभी कौन सा सेकेंड ईयर चल रहा है ना, फार्मा में हमेशा पूछते हैं वो कि अच्छा कौन सा टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर है। तुम्हें नहीं आती कोई सी भी ड्रग्स तो एंड में पूछते हैं, नहीं तो कई टीचर्स तो स्टार्टिंग में पूछते हैं क्या पढ़ कर आए हो, बता दो क्या पढ़ कर आए हो, उसमें से तो अच्छा आंसर दोगे कम से कम, तो पास होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। चलो नाउ नेक्स्ट इज वेक्टर इंडाइसेस। तो फर्स्ट होता है ह्यूमन ब्लड इंडेक्स, दैट इज प्रपोर्शन ऑफ फ्रेशली फेड एनोफिलिन मॉस्किटो हु स्टमक कंटेन्स फीमेल ब्लड। तो इसमें यही बता रहे हैं, आप इसके सिर्फ नाम याद करो, दिस इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट। स्पोरोजॉइट रेट,
स्पोरोजॉइड रेट नाम से पता चल रहा है, परसेंटेज ऑफ फीमेल एनोफिलिन विद स्पोरोजॉइड्स इन देयर सलाइवरी ग्लैंड्स, कितने फीमेल एनोफिलीज के सलाइवरी ग्लैंड्स में स्पोरोजॉइड्स प्रेजेंट है। मॉस्किटो डेंसिटी, नंबर ऑफ मॉस्किटोज पर मैन कैच आर, दैट इज कि कितने उसको वो पॉपुलेशन को अफेक्ट कर रहा है। मैन बाइटिंग रेट, इट इज डिफाइंड एज एवरेज इंडेक्सेस ऑफ एनोफिलिन बाइट्स पर डे पर पर्सन, एक एनोफिलीज कितने जनों को बाइट कर रही है। अब वेक्टर इंडेक्सेस यानी कि सब कुछ मॉस्किटो से रिलेटेड होगा। वेक्टर क्या था इसका, मलेरिया का, ठीक है। इसके होस्ट बताओ, डेफिनेटिव और वो वाला होस्ट बताओ, जिसने भी क्लास अटेंड करी थी। मैंने दो होस्ट बोले थे, इसके दो होस्ट होते हैं ना भाई, एक में सेक्सुअल साइकिल होती है, एक में एसेक्सुअल साइकिल होती है, तो दोनों ही होस्ट होंगे, एक तो मॉस्किटो होगा, एक मैन होगा, राइट। तो देखो इसके नाम देखो, ह्यूमन ब्लड इंडेक्स हो गया, स्पोरोजॉइड रेट हो गया, कितने स्पोरोजॉइड से सलाइवरी ग्लैंड के अंदर, एक मैन बाइटिंग रेट हो गया, एक मॉस्किटो डेंसिटी हो गया। नेक्स्ट इज इनोक्यूलेशन रेट, द मैन बाइटिंग रेट मल्टीप्लाइड बाय इन्फेक्टिव स्पोरोजॉइड रेट इज नोन एज इनोक्यूलेशन रेट। तो वेक्टर इंडेक्सेस में हमने पांच चीजें देख ली, ह्यूमन ब्लड इंडेक्स देख लिया, स्पोरोजॉइड रेट, मॉस्किटो डेंसिटी, मैन बाइटिंग रेट एंड इनोक्यूलेशन रेट। ओके, अब हम आते हैं इसके ट्रीटमेंट पार्ट पे। सी ट्रीटमेंट में क्या करते हैं कि जब माइक्रोस्कोपी रेडिली आपको 24 आवर्स के अंदर आपने सस्पेक्टेड मलेरिया केस का माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया तो अलग अलग आ सकता है, ठीक है। आप ये वाली टेबल याद कर लेना, यही लिख देना एग्जाम में तो यू विल गेट मार्क्स। तो ये पार्क में दे रखी है टेबल, है ना, पार्क आप लोगों ने खरीदी नहीं ना अभी तक पार्क, किसी ने भी, हाँ पार्क ले लेना, ठीक है, क्योंकि क्लासेस होती है ना इसलिए। तो अगर सपोज पॉजिटिव आता है वाइवेक्स के लिए, हाँ, तो आपको क्या करना है, उसको क्लोरोक्विन से ट्रीट करोगे, क्लोरोक्विन से ट्रीट करेंगे 25 mg/kg। लेकिन ये जो 25 mg/kg है, सपोज किसी का वेट 50 kg है तो पर केजी के हिसाब से आप 25 mg/kg से निकाल लो, लेकिन उसको डिवाइडेड 3 डेज में दोगे, 3 दिन में अपन को वो पूरी डोज देनी है क्लोरोक्विन की, ओके। फिर आता है प्राइमाक्विन, प्राइमाक्विन कितनी देते हैं, 0.25 mg/kg पर डे फॉर 14 डेज। फॉरगेट अबाउट द डोजेज, अगर डोजेज नहीं याद रहती, फर्स्ट आपका एम होना चाहिए कि आप याद क्या करो, दवाइयों के नाम, ठीक है। सेकंड आपका एम होना चाहिए कि हमें डोजेज याद करनी है, ओके। अगर आपसे कोई पूछे कि उसको बुखार है तो आप क्या दोगे, अच्छा आपको डोज तो याद है कि यार 625 mg, पर नाम याद नहीं है कौन सी, पैरासिटामोल डोलो, तो पहले आप खाली क्या mg थोड़ा ना बताओगे, बोले यार दवाई तो बता कौन सी देंगे, तो आप पहले दवाई का नाम याद करोगे, सेकंड आप डोजेज याद करोगे। तो अगर कोई केस है, हमने माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करवाया, वो पॉजिटिव आया वाइवेक्स के लिए, तो हम फर्स्ट क्या देंगे, क्लोरोक्विन, नेक्स्ट क्या देंगे, प्राइमाक्विन, दोनों देंगे, ओके, क्लोरोक्विन प्लस प्राइमाक्विन। वाइवेक्स में याद रख लेना CQ+PQ, ओके। CQ कितनी देती है, देनी है 25 mg/kg इन डिवाइडेड 3 डेज, और प्राइमाक्विन देनी है 0.25 mg/kg हर दिन फॉर 14 डेज। नेक्स्ट आता है अगर सेल्सिपैरम के लिए पॉजिटिव है फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ये देखो ये तुम्हारे लिए ही मैंने लिखा था, ये देखो अगर पॉजिटिव है सेल्सिपैरम एनी स्टेट, मतलब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए, तो एज स्पेसिफिक ACTAL, दैट इज ACTAL इज आर्टिमिसिनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी, और AL का मतलब होता है आर्टीमिथर और ल्यूमिफेंट्रिन, तो हम क्या देते हैं आर्टीमिथर और ल्यूमिफेंट्रिन फॉर 3 डेज प्लस प्राइमाक्विन सिंगल डोज, है ना। अगर अदर स्टेट्स में है तो हम SP3 देते हैं 3 दिनों तक, दैट इज आर्टिसिनेट सल्फाडॉक्सिन एंड पायरीमिथामिन। आप इसकी फोटो ले लो, धीरे धीरे पढ़ोगे तो याद हो जाएगी। और प्राइमाक्विन सिंगल डोज देंगे day 2 पे, ओके। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए हम देंगे ACTAL और बाकी अदर स्टेट्स के लिए हम देंगे ACT SP3। अब है कि ये तो फैल्सीपैरम के लिए हो गया और वाइवेक्स के लिए हो गया CQ PQ। अगर मिक्स्ड इन्फेक्शन है दोनों का, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हम ACL
AL3 देंगे यानी 3 डेज के लिए देंगे, प्राइमाक्विन देंगे 14 डेज के लिए, और अदर स्टेट्स में हम देंगे SP, ACT ये भी 3 दिन के लिए, प्राइमाक्विन 0.25 mg/kg फॉर 14 डेज। अगर नेगेटिव है तो, अगर नेगेटिव आया है तो जैसे जैसे सिम्टम्स हैं तो एज पर सिम्टम्स वी ट्रीट। ओके, और आपको ये आज में याद नहीं होगा, धीरे धीरे व्हेन यू विल रिवाइज रिपीटेडली तो याद हो जाएंगे नाम। बस ये ध्यान रख लो एक चीज़ तो, कि अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है तो हम AL दे रहे हैं, ठीक है, एंड अगर अदर स्टेट्स है तो हम इसमें SP दे रहे हैं, दैट इज सल्फाडोक्सिन पायरामिथामिन और आर्टिसिनेट का कॉम्बिनेशन। अब नेक्स्ट है कि अगर ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया कैसे होता है, तो इसमें क्या है, अगर इनिशियल पेरेंट्रल ट्रीटमेंट फॉर एटलीस्ट 48 आवर्स हम क्विनिन देंगे, 20 mg क्विनिन सॉल्ट पर kg बॉडी वेट ऑन एडमिशन, उसको IV इन्फ्यूज कर देंगे या फिर डिवाइडेड IM इंजेक्शन से देंगे, फॉलोड बाय मेंटेनेंस डोज। ओके, आर्टिसिनेट कितने देंगे, 2.4 mg/kg IV और IM गिवन ऑन एडमिशन, देन एट 12 आवर्स एंड 24 आवर्स देन वंस अ डे, और आर्टिमीथर और आर्टीईथर, ठीक है, इधर आर्टिसिनेट दो या फिर आर्टिमीथर आर्टीईथर दे दो। देन नेक्स्ट इज फॉलो अप ट्रीटमेंट व्हेन द पेशेंट कैन टेक ओरल मेडिकेशन। सी, इनिशियल पेरेंटरल ट्रीटमेंट कब देंगे, जब इनिशियली आया एंड द पेशेंट कैन नॉट टेक ओरली, तब हम ये देंगे। फॉलो अप में हम उसको 10 mg/kg 3 times a day क्विनिन देंगे, एंड डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg वंस अ डे, क्लिंडामाइसिन इन प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन अंडर 8 years ऑफ एज, एंड टू कम्प्लीट 7 days ऑफ ट्रीटमेंट, वी वॉन्ट देम टू कम्प्लीट 7 days ऑफ ट्रीटमेंट। अब नेक्स्ट आता है फुल ओरल केस ऑफ एरिया स्पेसिफिक ACT। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ACT AL फॉर 3 days, प्राइमाक्विन की सिंगल डोज ऑन 2nd day, और बाकी अदर स्टेट्स में ये याद रख लेना, SP अदर स्टेट्स में देखते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हम देते हैं AL, ठीक है। अब जनरल रिकमेंडेशंस क्या हैं, कि आप कभी भी ट्रीटमेंट एम्प्टी स्टमक नहीं स्टार्ट करोगे, डोज शुड बी रिपीटेड इफ द वॉमिटिंग अकर्स। सपोज यू हैव गिवन द फर्स्ट ऑफ ऑल, तो अंडर ऑब्जर्वेशन फर्स्ट डोज यू विल गिव, इफ द पेशेंट वॉमिट्स देन यू विल अगेन गिव द डोज, इफ द पेशेंट अगेन वॉमिट्स तो आप उसे कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया, सीवियर मलेरिया की तरह ट्रीट करोगे, यानी कि आप उसे IV इन्फ्यूज करोगे। ओके, क्योंकि पेशेंट कैन नॉट टेक ओरली। फिर उसको एक्सप्लेन करो कि अगर आपने ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं लिया तो डिजीज मे मैनिफेस्ट अगेन। अगर कोई इम्प्रूवमेंट उसको नहीं दिख रहा है या कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं तो आप उसको बोलो कि कम इमीडिएटली, ओके, विद इन 24 आवर्स। एंड द बेस्ट वे टू प्रिवेंट मलेरिया इज यूज ऑफ मस्कीटो नेट। एलिमिनेशन एंड इरेडिकेशन ऑफ मलेरिया, मलेरिया कंट्रोल, रिड्यूसिंग द मलेरिया डिजीज बर्डन टू अ लेवल एट विच देर इज नो, इट इज नो लॉन्गर अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। सी, कंट्रोल ऑफ एनी डिजीजेस की जब तक वो एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम नहीं रहा, दैट इज नोन एज कंट्रोल। मलेरिया एलिमिनेशन क्या है, द इंटरप्शन ऑफ लोकल मॉस्किटो बॉर्न मलेरिया ट्रांसमिशन, रिडक्शन टू जीरो ऑफ द इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शन कॉज्ड बाय ह्यूमन मलेरिया पैरासाइट इज इन अ डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया एज अ रिजल्ट ऑफ डेलिबरेट एफर्ट्स, ठीक है। सो वॉट इज, एज आई टोल्ड यू वॉट इज इंसिडेंस, अभी मैंने बोला थोड़ी देर पहले, वॉट इज इंसिडेंस, नंबर ऑफ न्यू केसेस, ओके। तो वॉट इज मलेरिया एलिमिनेशन, की कोई नया केस नहीं आ रहा अब, ओके, दैट इज मलेरिया एलिमिनेशन, कि इंटरप्शन ऑफ लोकल, जो भी लोकल मॉस्किटो बॉर्न मलेरिया हो रहा है उसका कोई नया केस नहीं आ रहा, उसको हमने इंटरप्ट कर दिया एकदम। जीरो ऑफ इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शन, तो दिस इज नोन एज मलेरिया एलिमिनेशन। बट कंट्रोल एंड एलिमिनेशन बोथ आर डिफरेंट टर्म्स। व्हाट इज कंट्रोल, कि हमने इतना कंट्रोल कर लिया उसको कि अब वो पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी द केस ऑफ कोविड, ठीक है, तो दो वेव्स आई कोविड की, आपने देखा था कि एक टाइम था व्हेन बहुत ज़्यादा कोविड देयर वर नो बेड्स, नो ऑक्सीजन, तो दैट वाज कि अभी बहुत ज़्यादा है। अब जब वो कंट्रोल हो गया, यानी कि बहुत
थोड़े थोड़े केसेस आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि केसेस आ ही नहीं रहे. तो दैट वॉज कोविड कंट्रोल, ओके, नॉट एलिमिनेशन. एलिमिनेट तो नहीं हुआ ना, अभी भी जीरो केस तो अभी भी नहीं है, आ रहे हैं अगर इफ यू विल चेक. बट इट इज नाउ नॉट अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम, ओके. अब वो इतना ज्यादा पहले तो हो ही गई थी ना पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम, यू आर नॉट गेटिंग बेड्स, नो ऑक्सीजन, बट दैट वॉज कंट्रोल, बट स्टिल इट इज नॉट एलिमिनेटेड. सर्टिफिकेशन ऑफ मलेरिया एलिमिनेशन, द चेन ऑफ लोकल ह्यूमन मलेरिया ट्रांसमिशन बाय एनोफिलिन मॉस्किटो हैज बीन फुली इंटरप्टेड इन एन एंटायर कंट्री फॉर एटलीस्ट 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स. 3 साल तक कोई भी आपको केस नहीं मिला, तभी हम उसको कहते हैं कि एलिमिनेट हो गया. कोई भी डिजीज की बात कर रही हूँ मैं, अगर कोई भी डिजीज खत्म हो गया तो उसके बाद आपको कोई भी 3 साल तक नया केस नहीं मिलना चाहिए, तब हम उसको एलिमिनेशन बोलते हैं. इरेडिकेशन इज परमानेंट रिडक्शन टू जीरो ऑफ द वर्ल्ड वाइड इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शन कॉज बाय पर्टिकुलर मलेरिया पैरासाइट स्पीशीज. पूरे वर्ल्ड वाइड एकदम जीरो हो गया इंसिडेंस, देन दैट इज इरेडिकेशन. ओके, अब ये जो आपका नेक्स्ट, अब जब भी होगा तब आपको पढ़ाया जाएगा मलेरिया प्रोग्राम्स, ओके, नेशनल मलेरिया एलिमिनेशन प्रोग्राम, देन कंट्रोल प्रोग्राम, दिस इज द वे. तो आपका मलेरिया डिजीज अब तक कंप्लीट हो गया है, ठीक है. तो जो जो भी नहीं आए थे यू कैन एक बार देख सकते हैं स्लाइड्स, लास्ट टाइम जो नहीं आए थे. ये थी लाइफ साइकिल, आप इसकी फोटो ले लो, पार्क से जाके पढ़ना जो नहीं आया था. तो अगर मलेरिया पे लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको किसी पे भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है, आप थोड़ी सी लाइफ साइकिल का डायग्राम बनाओ, एपिडेमियोलॉजिकल डिटरमिनेंट्स बताओ, एजेंट, होस्ट, एनवायरनमेंट, फिर आप आओ उसके क्लिनिकल फीचर्स पे, फिर उसको डायग्नोस करो, फिर उसके ट्रीटमेंट बताओ. मलेरिया में क्या चीज़ एक्स्ट्रा है, मलेरिया में हमने आज जो पढ़ा दैट इज उसके इंडेसेस, उसके नाम बता दो, ठीक है. प्री इरेडिकेशन, इरेडिकेशन एरा में डिवाइड करके उसे इंडेसेस बता दो और वेक्टर इंडेसेस बता दो. ट्रीटमेंट पार्ट में तुम 4 में डिवाइड कर देना, पॉजिटिव फॉर वाइवेक्स, फॉर फैल्सीपैरम, फॉर मिक्स्ड इन्फेक्शन एंड नेगेटिव, ओके. 4 में डिवाइड करके फर्स्ट आपको याद करना है सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन का नाम, ठीक है. वाइवेक्स में कौन सी देते हैं बताओ, ओके. फैल्सीपैरम में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ACT AL याद रख लेना, ठीक है. AL याद रखोगे तो जहां भी पूछेंगे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में AL याद रखना, और अदर स्टेट्स में ओके SP. फिर मिक्स्ड इन्फेक्शन में भी यही है ना, और इसमें हम प्राइमाक्विन भी दे देते हैं, ओके. और अगर नेगेटिव है तो क्लिनिकल डायग्नोसिस की तरह हम इसे यूज करेंगे. फिर आता है पॉइंट कि अगर सीवियर मलेरिया है, सीवियर मलेरिया यानी कि वो ओरली नहीं ले रहा, तो हम पहले उसको IV फॉर्म में देंगे क्विनिन, ठीक है, 20 mg क्विनिन पर kg बॉडी वेट ऑन एडमिशन. उसको IV इन्फ्यूजन देंगे या फिर डिवाइडेड IM इंजेक्शन फॉर्म में देंगे. और उसके अलावा हम आर्टिसुनेट या आर्टीथर या आर्टीबीथर जो भी अवेलेबल होगी वो दे देंगे. फॉलो अप में क्विनिन देंगे ओरली, डॉक्सीसाइक्लिन एज एन एंटीबायोटिक, क्लिंडामाइसिन देंगे प्रेग्नेंट वुमेन्स के अंदर. फिर इनको बोलेंगे आप कंप्लीट ट्रीटमेंट करो, ठीक है. ओरली देंगे, अगर ओरली वॉमिट करते हैं एक बार वापस देंगे. अच्छा, इसमें मल्टी ब्लिस्टर एक चीज़ और, राइट. अगर आपसे वो पूछेगा कि सपोज आपके पास कोई पेशेंट आया, मल्टी ब्लिस्टर पैक्स मिलते हैं इसमें, ठीक है, पूरे कोर्स के, तो पूरे कोर्स के आपने सपोज उसको फर्स्ट डोज दे दी, उसने वॉमिट कर दिया, तो तुम क्या करोगे, वही वाला पैक यूज़ करोगे कि दूसरा दोगे बताओ. दूसरा देंगे अपन, ठीक है. इससे क्या होता है कि आपको पता चलेगा इसने सारी डोजेस ली कि नहीं ली, आप उस वाले पैक को तो यू डिस्कार्ड इट, ओके. देन यू यूज अ न्यू मल्टी ब्लिस्टर पैक, फिर आप उसको दोगे. अगर वो अगेन वॉमिट कर देता है तो आप IV या IM दोगे, अगर नहीं करता तो वही नया वाला मल्टी ब्लिस्टर पैक आप यूज करोगे, ठीक है. ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वाइवा के अंदर, पड़ी रहती हैं दवाइयाँ, देन दे यू आस्क दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन, ओके. कंट्रोल एलिमिनेशन ये आपको पता है, मलेरिया इरेडिकेशन. अब जब भी नेक्स्ट क्लास होगी आपकी तब आप पढ़ोगे कंट्रोल प्रोग्राम, मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम.
इसकी भी बहुत सारी स्टेजेस आई थी, एलिमिनेशन प्रोग्राम, कंट्रोल प्रोग्राम, ओके ऐसे। मेरी आप लोगों को एक एडवाइस है, बहुत बड़ा चैप्टर है आपका नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स का, ठीक है। जैसे जैसे आप, तुम किसी के भी नोट्स मत बनाओ, चलेगा, लेकिन नेशनल हेल्थ प्रोग्राम बहुत बड़ा चैप्टर है। आप क्या करोगे, जैसे आपको सपोज आज जो भी आपकी क्लासेस होती है, इफ़ यू अटेंड रेगुलरली, तो आपका कंट्रोल प्रोग्राम कोई नेशनल मलेरिया का करवाया, लेप्रेसी का कराया, जिस दिन जो प्रोग्राम पढ़ाया जाए ना, घर जाके एक कॉपी बना लो, उसमें नोट्स बना लो। मैं और किसी भी चैप्टर के नहीं कह रही, बट माइंड माई वर्ड्स, अगर तुमने इन नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स के नोट्स बना लिए शॉर्ट शॉर्ट में थोड़ा सा, तो मैं बहुत ईजी रहेगा। फुल क्वेश्चन आता ही आता है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स के, और तुम्हारे लिए ईजी हो जाएगा, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा दे रखा है बुक में। आपको उसे शॉर्ट करना पड़ेगा, अपने हिसाब से लिखना पड़ेगा जो क्लास में बताया, और उसको बहुत लेंदी लेंदी मत बनाना, ठीक ठीक ओके ओके जितना आप लिख सकते हो, है ना। बट आप नोट्स बनाओ हेल्थ प्रोग्राम्स के, एटलीस्ट आपके कोई पढ़ाए हैं अभी तक हेल्थ प्रोग्राम्स? ट्यूबरक्लोसिस पढ़ा दिया ना, तो RNTCP के नोट्स बनाओ, ठीक है। बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स हैं ये, RNTCP, नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, बहुत बड़े हैं, ठीक है। NUHM, NRHM, तो आप छोटा छोटा में कर लोगे तो इट विल बी इजी। मैं और नहीं कह रही आपको किसी भी चैप्टर के नोट्स के लिए नहीं कह रही, बिकॉज इट इज़ नॉट फीजिबल फॉर यू टू मेक ऑल द नोट्स, बट एटलीस्ट आप प्रोग्राम के, और वो साथ साथ बनाते जाओ, ठीक है। एक पेज दे दो मुझे, सो कैन आई कैन टेक द अटेंडेंस।